वेलकम टू माई चैनल ऑन शॉर्ट नोट्स फॉर UPSC। तो आज फिर से हम लोग एक अमेजिंग सी वैकेंसी को लेकर डिस्कस करेंगे। हमारे रिजल्ट ओपन करना होगा, ये रहा रिजल्ट। सो लेटेस्ट जॉब है SSC CPO SI। नेम ऑफ पोस्ट है SSC CPO SI 2018 ऑनलाइन फॉर्म एग्ज़ाम। डेट एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट फाइनल ऑप्शन फॉर्म। सो ये काफ़ी पुराना फॉर्म है, यानी कि 2018 का है। इसकी पोस्ट डेट थी 4 मार्च 2018 और पोस्ट अपडेट हुई है 28 जनवरी 2021 को। और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC आर रिसेंटली अपलोडेड द डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ाम DME एडमिट कार्ड फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन वेरियस डिपार्टमेंट CAPF CPO SI वैकेंसी 2018 इन VSF CISF CRPF SSB दिल्ली पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट। दोज कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड इन पेपर सेकेंड एग्जाम कैन डाउनलोड द DME एडमिट कार्ड। सो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने रिसेंटली अपलोड किया है डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ाम DME एडमिट कार्ड फॉर किसके रिक्रूटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वेरियस डिपार्टमेंट में, जैसे कि CAPF CPO SI वैकेंसी थी 2018 की इन VSF CISF CRPF SSB दिल्ली पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट। जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हो पेपर सेकेंड एग्जाम में, वो डाउनलोड कर सकते हैं DME एडमिट कार्ड। सो इसकी एप्लीकेशन फ़ी थी जनरल OBC की 100 रुपीज़, SC ST और एक्स सर्विस मैन की 0, ऑल कैटेगरी फीमेल की 0। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे एग्ज़ाम फ़ी थ्रू ऑफलाइन ई चालान फ़ी मोड, सबमिट चालान एट एनी ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और नोटिफिकेशन इशू हुआ था 3/3/2018, एप्लीकेशन बिगिन हुआ था 3/3/2018 को। लास्ट डेट थी अप्लाई करने की 13/4/2018। लास्ट डेट थी फी पेमेंट की 13/4/2018 और लास्ट डेट थी ऑफलाइन पेमेंट की 16/4/2018। एग्ज़ाम डेट पेपर वन हुआ था 12/16/2019 को। आंसर की अवेलेबल थी पेपर वन की 24 से 27 अप्रैल। रिजल्ट फॉर पेपर वन 25/5/2019। रिजल्ट फॉर PET PST एग्ज़ाम डेट पेपर सेकेंड की 27/9/2019। एडमिट कार्ड अवेलेबल पेपर सेकेंड थी 17/9/2019। आंसर की अवेलेबल पेपर सेकेंड 22 से 25 अक्टूबर 2019। रिजल्ट फॉर पेपर टू 3/2/2020। मार्क्स फॉर पेपर टू 13/2/2020। DME एग्ज़ाम डेट थी 7/15/2020। पेपर सेकेंड फाइनल आंसर की 20/11/2020। वैकेंसी डिटेल्स थी टोटल 1223 और CPO SI मेल जनरल की 549, SA की 155, ST की 86, OBC की 342, टोटल 1132। CPO फीमेल की थी जनरल 43, SC 12, ST 7, OBC 29, टोटल थी 91। एज थी 20 से 25 एज ऑन 1/8/2018। एलिजिबिलिटी DELHI SI की बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए विद ड्राइविंग लाइसेंस। अदर पोस्ट बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। डिपार्टमेंट थे डिपार्टमेंट पुलिस, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ITVP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स SSV, सशस्त्र सीमा बल CAF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनकी टोटल सीट्स थी। फिज़िकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स थी
मेल जनरल ओबीसी एससी की 170 सेंटीमीटर्स, मेल एसटी की 162.5 सेंटीमीटर्स, फीमेल जनरल 157 सेंटीमीटर्स और फीमेल एसटी की 154 सेंटीमीटर्स। सो ये नीचे ढेर सारे लिंक दी गई हैं कि आपको अगर डाउनलोड करना हो ऑप्शन फॉर्म तो यहाँ क्लिक करें, डाउनलोड पेपर टू फाइनल आंसर की देन यहाँ क्लिक करें, डाउनलोड डीएमई एडमिट कार्ड सीआर रीज़न यहाँ क्लिक करें, डाउनलोड डीएमई एडमिट कार्ड अदर रीज़न देन क्लिक हियर। सो ऐसे ही काफ़ी सारा दिया गया है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एसएससी सीपीओ एसआई 2018 का ऑनलाइन फॉर्म एग्ज़ाम डेट एडमिट कार्ड आंसर के रिजल्ट फाइनल ऑप्शन। सो जो लोग भी सिलेक्टेड हो क्वालिफाइड हो पेपर सेकंड में वो अपना डीएमई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।